सर मेरा नाम प्रदीप राजा है। मैं एक्चुअली 17 साल से ये लाइन में हूँ और पहली पिक्चर मेरी लव शॉप प्यार व्यार थी। उसके बाद और पिक्चरें करी और वो अच्छे लेवल पर रिलीज हुई थी और अभी ये करने जा रहे हैं। ये अपने सब टीम के सहयोग से 12.5 घंटे बहुत 8-9 महीने लगा के पूरी मेहनत करके रियल बेस्ड स्टोरी को हमने एक अंजाम दिया स्क्रिप्ट का और ये रियल बेस्ड स्टोरी है और इसको स्क्रिप्ट वर्क किया है और अभी इसी को शूट करने हम लोग जा रहे हैं। बाकी का जो है हम लोग फिल्म बनने पे ही बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है वो लोग ही देखेंगे। सस्पेंस ही है एक्चुअल में पूरा। लेकिन प्रदीप जी आपके रियल बेस्ड है, कौन सा विषय है, क्या विषय है सर? ये विषय एक्चुअली है कि पुलिस ने एक केस हुआ था उसको 12.5 घंटे में कैसे सॉल्व किया था। इट्स अ क्राइम थ्रिलर फिल्म कह सकता हूँ या फिर हाँ जी क्राइम थ्रिलर फिल्म हो सकती है। हाँ क्राइम। हाँ तो क्या रेकी वगैरह हो चुकी है आपने? रेकी कर ली है? कहाँ शूटिंग होने वाली है? ये भोपाल में हम लोग शूट करेंगे सर। कास्टिंग 80% हो चुकी है, 70-80% बाकी थोड़ी बाकी है। कौन कौन है कास्टिंग? कास्ट में अनु जी हैं, अनु अग्रवाल जी हैं, आशीष करके लड़का, नैब सिंह है, जिन्होंने मतलब सेमी नोन कास्ट है, जो जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अच्छे एक्टर हैं उन्हीं को हमने लिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें कोई मतलब जितने आर्टिस्ट लिए सब एज ए बढ़िया एक्टर लिए हैं जो काम करेंगे इसमें। मैम आप बताइए मैम आपके आपके बारे में। नमस्कार, पहले से मैं मेरा नाम बताती हूँ। मेरा नाम तनुश्री मुखर्जी है। मैं पिछले 8 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसमें से मैंने 30-35 सीरियल किया हुआ है, कुछ मूवीज, कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवी, एड्स वगैरह मैंने किया हुआ है। अभी ये जो 12.5 घंटे मूवी है इसमें मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर सर सब ने मिल के मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जैसे सर ने बताया कि एक क्राइम थ्रिलर मूवीज़ है तो मज़ा आएगा काम करके भी और ऑडियंस जब देखेंगे इस मूवी को तो मूवी की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है और बाकी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। अच्छा ये पुलिस वाली घुसखाव है कि सर ऑनेस्ट पुलिस वाले? हाँ है बट हाँ देखते हैं ना, फिल्म देखिए फिर पता चलेगा कि मैं घुस खाती हूँ कि नहीं खाती है ना। जी आप बताइए अपने बारे में। जी सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और अनु कपूर का सलाम। मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर मुंबई में हूँ और जब मैंने ये स्टोरी सुनी, ये कंटेंट सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले मैं ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी अनुज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, राज यादव जी एंड ऑफकोर्स प्रदीप राजा जी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। और जब नए आर्टिस्ट को, न्यू कमर को एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग करेक्टर है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि बताया 12.5 घंटे, जी हाँ रियल बेस्ड है और पूरी टीम की मेहनत है और हम लोग पूरी शिद्दत से अपनी पूरा 100% और एक एज एन आर्टिस्ट हम अपनी पूरी मेहनत से काम करेंगे और आई होप आप सबको पसंद आए। थैंक यू। किरदार क्या है? किरदार क्या है? जिसके साथ दुर्घटना होती है, जिस लड़की के साथ, और उसी के साथ मेरा करेक्टर है। आई थिंक इन डिटेल्स में शायद हम उतना एक्सप्लेन ना कर सके जैसे कि प्रदीप राजा जी ने बताया, लेकिन बहुत ही अच्छा करेक्टर है। प्रदीप जी से क्या बात है कि आप नहीं बता रहे कि फिल्म की कहानी क्या है? बोला नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है ना सर, जो मतलब ऐसी फिल्में होती हैं अगर हम लोग उसको पहले एक्सपोज कर देंगे तो फिर वो आगे जाके अभी मीडिया के सामने खुल होएगी, फिर ऑडियंस के सामने वो फिर मजा नहीं रहता चीज में। मेरा सोचना ये एक दो लाइन तो कर सकते हैं, मर्डर स्टोरी है, किसी मर्डर होता है या फिर इस तरह मैटर नहीं, ये एक्चुअली रेप होता है। रेप के बाद फिर पूरी जो आगे आगे स्टोरी चलती है उसमें मर्डर भी है, रेप भी है, सब कुछ ही है। और पुलिस वालों ने कैसे ऑनेस्टी से उसको किया वो सारी चीज वो है। कब तक जा रही फ्लोर पे? कब जा रही आप कह रहे? ये विद इन 10 डेज ऑन फ्लोर पे जाएगी।
क्या प्लान है आपका आगे? बस आगे क्या दो तीन महीने में कब तक रिलीज का प्लान बनाए? नहीं, रिलीज का प्लान तो बनने के बाद ही होगा एक्चुअली हमारा। और अदरवाइज कोई गाना ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को थैंक्स देना चाहता हूँ कि इतना समय निकाल के यहाँ पे आए। दूसरी बात, प्रदीप जी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट साथ लेके चले हैं और जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है वो काबिल तारीफ है। और उसके बाद राज जी हैं जो पूरा साम्राज्य लेके चल रहे हैं अपने साथ, पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने ही, सारी चीज़ें सब कुछ करने वाले वही हैं आज के टाइम में। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने डिज़ाइन किया है, इसके जो उन्होंने जो इसकी स्टोरी स्क्रीन पे जिस तरीके से इन्होंने बताया बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और आपने आज से पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि रियल स्टोरी पे है तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे, लेकिन कहानी सच में बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जोरदार है। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने मुझे एज अ डायरेक्शन डिपार्टमेंट में जुड़ने का मौका दिया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं प्रदीप जी के अंडर में काम कर रहा हूँ। इससे पहले एज एन इंडिविजुअल अपना एक प्रोजेक्ट सोलो प्रोजेक्ट कर चुका हूँ एज एन डायरेक्शन में द आर्टिस्ट, उससे पहले मैं एक लाइफलाइन करके प्रोजेक्ट था। एज एन एडी मैं काम कर चुका हूँ विक्रम भट्ट सर के साथ, जो जुदाओ की भी मूवी आई थी उसमें मैंने एज एन उनको एडी किया था। उसके बाद मैं डिटोर प्रोडक्शन के साथ कर चुका हूँ, फैमिली मैन जिनका आया था राज सर का। एज एन डायरेक्शन डिपार्टमेंट मैंने काफ़ी काम किया, बट अभी इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले आप लोग का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे लिए टाइम और समय निकाल के इतना दिए हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी हिंदी फिल्म है 12.5 घंटे जो एक रियल घटना पे आधारित है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रदीप राजा जी और काफ़ी लोग हैं जो इसमें अपने को काम करने का मौका दिया जा रहा है। और ये आगरा और दिल्ली के बीच की घटना है, मूवी बनने के बाद मज़ा आएगा कि मूवी क्या बनी है और डायरेक्टर साहब कैसा बनाए हैं, तो लोग देखेंगे तो कुछ ज़रूर सोचेंगे कि कोई बनाया है मूवी। और इसको बड़े पैमाने पर हम लोग रिलीज भी करेंगे, OTT में भी सैटेलाइट देंगे, इसमें हमारा कंपनी अनुज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट और इंडोस इंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टिंग है जिसमें प्रोड्यूसर है तनुश्री अरविंद त्रिपाठी जी हैं और हम भी उसके साथ हैं। और इसके साथ दो पिक्चर हम लोग और लेके जाने वाले हैं। दूसरी फिल्म का नाम है नो यू टर्न, जिसके डायरेक्टर है प्रदीप राजा जी और सम्मी जी, साथ में उनके को डायरेक्टर हैं। तीसरा मूवी है हमारा जो अहिर रेजिमेंट, जो आर्मी के ऊपर में निर्धारित है, वो मूवी 1962 का जो चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, आज भी अपना चाइना में एक टुकड़ी है कैंप, तो उसके ऊपर हम बनाना चाहते हैं। वो मूवी हमारी बड़ी रहेगी, कम से कम तो 50 करोड़ की मूवी रहेगी, तो सब मूवी हो आर्मी के कैंप में शूट होगी। रियल कहानी में थोड़ा डाइवर्ट तो करना ही पड़ता है ना, पूरा रियल दिखा देंगे तो 12.5 घंटा को दिखाना है, 12.5 घंटे में हमको कहानी है, क्योंकि जब एक घटना घटी थी 12.5 घंटे में जो पुलिस कमेटी या पुलिस टीम या पुलिस थाना SP DSP IG DIG जो जितने लोग थे मिल के 12.5 घंटे में पूरे केस को फिनिश कर दिए। अगर 12.5 घंटे में केस फिनिश हो जाती है, ऐसी कभी कोई घटना बहुत कम मिलती है जो 12-12.5 घंटे के अंदर आपको आरोपी या जो भी सज होता है सब फाइनल हो जाता है, वो हम 3 घंटे में दिखाएंगे। अब 3 घंटे दिखाने के लिए आपको कितना क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, दिल और दिमाग, अब फिर उसको दर्शाना पड़ेगा। उसके अंदर एक सॉन्ग भी है पार्टी जो बर्थडे में होता है, बर्थडे में जो सॉन्ग होता है उस सॉन्ग से वो लड़की गायब होती है, किस लड़की के ऊपर एक घटना घटती है और लास्ट में वो लड़की कैसे कैसे जिंदा बचती है, फिर उसके आगे की कहानी सब डायरेक्टर साहब अपना प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि उनके माइंड में बैठा है कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ है, बिना प्रदीप राजा के काम हो नहीं सकता है। अगर प्रदीप नाम है राजा तो दिल के राजा भी हैं वो। आपका नाम राज है तो आप? मेरा राज और राजकुमार है नाम, अगर राजकुमार है तो हम सच में राजकुमार ही है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये था कि जैसे आपकी ये फिल्म सत्य घटना पे है,
आर्मी की कहानी वो भी सत्य घटना पे, सत्य घटना सतना घट में आर्मी में 1962 में जो एक चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, तो 0-80 डिग्री पे जो 114 यादव लोग मारे गए थे, उसमें मेन मेजर था सरताज सिंह भाटी जो राजस्थान के थे, और हमारे लोगों के पास जो है उस समय कोई हथियार भी नहीं था, उनको पटक पटक के उठा उठा के मारे थे, और 3 दिन के बाद पता चला था कि आर्मी हमारा और कम से कम 2500 मीटर के ऊपर हो घाटी पे हुआ था। सर वो फिल्म के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आहिर रेजिमेंट आप जो बोल रहे हैं जिसकी काफी मांग हो रही है आहिर रेजिमेंट बनाने के लिए, और जो अभी इसलिए मांग हो रही है कि आज के डेट में हर लोगों का रेजिमेंट है लेकिन आहिरों का कोई रेजिमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा कोई बलिदान होता है आर्मी में फोर्स में, कहीं भी अगर बलिदान होता है डिपार्टमेंट में तो यादवों का होता है। परमवीर चक्र जो मिला हुआ है जो अभी तक जीवित हैं वो भी एक यादव हैं। तो यादव लड़ेंगे, यादव उतना अगर दिल अपना दिखाएंगे तो यादव ही चक्र लेके आएगा, जो पीठ चिखा के भागेगा वो चक्र रेजिमेंट जो नहीं बन पा रहा है, आप क्या बता कुछ बताना चाहें क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कुछ वो तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की बात होगी ना क्यों नहीं बन पा रहा है, अगर हम बता देंगे तो फिर आप लोग कैसे खोद के निकालोगे। यादव है ना सर, कि अगर आज रेजिमेंट हो जाएगी यादव की हीरो की रेजिमेंट, उससे बड़ा कोई रेजिमेंट हो नहीं सकता, कहीं भी बॉर्डर पे आर्मी में किधर भी देखो फोर्स में वायु सेना थल सेना जल सेना जिधर देखो सबसे ज्यादा अहिर सेना यादव लोग है। और 3 फिल्म हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, अभी एक फिल्म जाएगा 12.5 घंटा, ये 2-4 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग भोपाल में शूट करेंगे, उसके बाद जो जाएगी नो यू टर्न, फिर उसके बाद अहिर रेजिमेंट। सारे में सर कास्टिंग बड़े कुछ कहीं बड़े छोटे सब कास्टिंग है, एक से एक कास्टिंग है, जब पिक्चर पर्दे पे लगेगी तो सारी कास्टिंग अपने आप दिखेगी। अभी से अगर बता देंगे कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो फिर पर्दे पे देखेगा कौन। मेरा नाम बिपिन सिंह है, मैं आगरा से हूँ, मुंबई में मैं 8 साल से हूँ, जिसमें मैंने बॉलीवुड में 5 मूवी एज अ लीड कर चुका, एक मूवी मेरी चल रही साउथ की एज अ लीड, और एक और मूवी मुझे मिली है 12.5 घंटे, तो थैंक यू कहना चाहूँगा मैं अपने राजकुमार सर को, मेरे डायरेक्टर सर को, फिर मुझे उन्होंने लिया है तो थैंक यू, और थैंक यू कहना चाहूँगा मीडिया को। 12.5 घंटे के अंदर मेरा जो करेक्टर है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, आने वाले समय पर जरूर बताऊँगा। थैंक यू। किसी ने कुछ मना किया कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर क्या है? करेक्टर ऐसे है, एक ऐसा इंस्पेक्टर का करेक्टर है, काफ़ी अच्छा करेक्टर है, पूरी मूवी के अंदर पूरी छान वान जो होता है मर्डर रेप एवरीथिंग जो भी है वो बाद में हम निकालते हैं कैसा क्या हुआ। आप भी गुस्काव है मतलब? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा क्लीन साफ सुथरी मूवी है और मजा आएगा। नहीं आप पुलिस वाले किरदार, तो आपका किरदार मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव है। अच्छा, नेगेटिव तो कुछ नहीं है, पुलिस वाले जो भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पर इस मूवी के अंदर भी वही है। मैं शत्रुघ्न गोस्वामी डायरेक्टर, राजकुमार जी ने मुझे बुलाया है और मेरी शुभकामनाएं इस प्रोडक्शन के लिए, और ये फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, टाइटल ही अच्छा है, 12.5 घंटा, मतलब 12.5 घंटे में इनको 3 घंटे के जो पिरो के देंगे, और ये सारा सस्पेंस और थ्रिलर से भरा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। यस सर, मेरा नाम समी खान है और मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें को डायरेक्टर काम कर रहा हूँ मैं, और एक्चुअली क्या है कि ये 12.5 घंटे की ऐसी जर्नी है जिसमें हमने एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है, इसमें सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है और रोमांस भी है, और थोड़ा सा इसमें हमने इमोशंस भी रखा है क्योंकि विदाउट इमोशंस के नहीं चलेगी, तो पूरा कम्प्लीटली पैकेज है, और ये 12.5 घंटे की वो जर्नी है जिसे देख कर ऑडियंस फुल एंटरटेनमेंट करेगी और उनको पसंद आएगा। हमने और हमारी टीम ने, पूरी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की है इसको। सर जरा बताइए अपने बारे में और फिल्म के बारे में क्या है। सबसे पहले सभी दर्शकों को गुड इवनिंग, सलाम नमस्ते, मैं नायब सिंह, और ये स्टोरी प्रदीप भाई ने जो मेरे को सुनाई, एक सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर रियल स्टोरी है, जो कि एक रेप होता है और उसी रेप को पुलिस वालों ने 12.5 घंटा के अंदर पूरी को सुलझा दिया था, उसी के ऊपर ये स्टोरी है, बाकी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आपका किरदार क्या है? मेरा नेगेटिव लीड है, मुझे एक्चुअली आज तक विलन के ही किरदार मिले हैं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी काम किया था। हाँ, मासूम मूवी मेरी अमेजोन प्राइम पे नेगेटिव लीड में आई है, और उससे पहले अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है आई हेट टीयर्स, डायरेक्टर विक्रम राजदान, नाडेड वाला प्रोडक्शन, और त्रिशा मुखर्जी मेरे अपोजिट है, वो भी एक सस्पेंस है,
मुझे उसमें किरदार जो है मेरा वो एक अयाश टाइप का लड़का है जो लड़कियों को यूज और थ्रो करता है, शायद इसमें भी कुछ ऐसा हो आपको देखने के बाद पता चलेगा। इससे पहले शो था मेरा साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पे, वो भी नेगेटिव लीड गोपी वाला, आप लोगों ने देखा होगा जी जी। और फिर कलर्स पर बेपना, वो भी नेगेटिव था जैनिफर के साथ। फिर एक जी टी वी पे आता था वो अपना सा, एक सब टी वी पे आता था इच्छा करी ना भी उसमें शिव जी बनाओ, कृष्णा बाल कृष्णा, माइक्रो शो मैंने काफ़ी किए हैं। एक कॉमेडी शो था गई भैंस पानी में, और अभी एक पिक्चर कर रहा हूँ मैं मास्टर प्लान, जिसका डायरेक्टर है विक्रम राजदान और सोनाक्षी सिन्हा, रणदीप हुड्डा और मैं, हम तीनों इसमें। और अभी प्रदीप जी के साथ कर रहा हूँ, प्रदीप मेरे भाई हैं, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो ये भी बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, बहुत शिद्दत से काम करेंगे, पूरी टीम वर्क होता है। मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ ये फिल्म आप लोगों को अच्छी लगे, बनने का सुपर हिट हो, ये फिल्म काम है, सब भी यही दुआ करें। सर जी बताइए जी। नमस्कार, मैं अक्षय यादव, एज ए डी ओ पी इस फिल्म में हम कर रहे हैं। और ये जैसा तो अभी सबने स्टोरी के बारे में और फिल्म के बारे में बता ही दिया है, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजकुमार जी का और प्रदीप जी का, जिन्होंने मुझे इसमें चांस दिया। और एक सिनेमैटिक स्कोप इसमें बहुत अच्छा है, तो वो करने को हमें मिलेगा और अच्छा होगा। अच्छा, आपके ज़्यादा काम है आपका, डी ओ पी हो आप जी, तो तैयारी जी, तैयारी के बारे में जैसा अभी बताया ना, सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, तो हमारे लिए एक लाइटिंग स्कोप, एक चैलेंजिंग स्टोरी है, तो हमें भी एक चैलेंज एक्सेप्ट करना, मैंने 10 साल से इंडस्ट्री में और अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग मूवीज किया है, तो इसमें भी एक अपने आप में एक चैलेंज है, और वो मैं एक्सेप्ट करूँगा कुछ करने का, कुछ दिखाने का। हमारे लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा और हमारे फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू। अब मैं मूवी में अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ज़ारा खान है और मैं एक्ट्रेस हूँ। मैंने अपनी जर्नी जो है बॉलीवुड में, मैंने फैशन शो से स्टार्ट की, फिर शॉर्ट फिल्म्स किए, डिजिटल ऐड किया, सीरियल किया, मूवीज़ भी किए, कैरेक्टर रोल ही किया है, और अब मैं मूवी करने जा रही हूँ 12.5 घंटे। और सब में पहले तो मैं थैंकफुल हूँ राज यादव जी का, और हमारे डायरेक्टर सर, इनका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी मूवी में इन्होंने बहुत अच्छा मुझे कैरेक्टर दिया है, जो एक डॉक्टर का कैरेक्टर है, बट पूरी फिल्म में मैं दिखते रहूँगी, एंड पुलिस वालों को काफ़ी मुझसे हेल्प मिलेगी इस मूवी में, इस केस को सॉल्व करने में। पूरी मूवी इस एक केस पर ही है, और 12.5 घंटे का ही ये पूरा मूवी में दिखाया जाएगा कि 12.5 घंटे में कैसे ये केस को सॉल्व किया जाता है, कौन कौन कितनी इसमें हेल्प कर रहा है। और आप सभी की शुभकामनाएं चाहिए, और आप सभी की दुआओं की ज़रूरत है कि हम अपना काम, अपना वर्क अच्छे से अच्छा कर पाए, अपने टैलेंट को इसमें अच्छे से अच्छे दिखा पाए, और हमारी फिल्म काफ़ी हिट हो, जिससे हमारा भी नाम हो, और जो कोई भी इसमें मेहनत कर रहा है, सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, कैमरामैन, जो भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सभी को इनसे अच्छा नाम मिले और अच्छा फेम मिले। इस फिल्म में किरदार क्या है अभी तक तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनके बड़ा करीबी हैं हम। इस मुहूर्त में हम शुभकामनाएँ देने आ गए इस फिल्म के मुहूर्त के लिए। 12.5 घंटे क्या कहेंगे टाइटल के बारे में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑडियंस सोचेगी कि 12.5 घंटे क्यों, 12.5 घंटे में क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई होंगी। और टाइटल बहुत बढ़िया है फिल्म का, पोस्टर भी बहुत बढ़िया है। जिस आपके कहेंगे सर, आप किससे जुड़े हैं फिल्म में? ये फिल्म मेरे मित्र का है, राज यादव जी, प्रदीप राजा जो मेरे मित्र हैं, और बहुत समय से हमारे उनके साथ में मित्रता है, और वो एक अच्छा फिल्म बना रहे हैं, तो हमारी अच्छा रिलेशन है, और इस फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए जो हमारे अच्छे रिलेशन है। इस बारिश में भी इस फिल्म को फ्लोर पर ले जाने और अच्छा बनाने में हम सब लोग राज्य के साथ हैं, और उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी और सुपर डुपर हिट होगी, और शायद राज्य का जो प्लान है एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज़ करेंगे। एंड ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड, एंड सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू वुमन एम्पावरमेंट, जो एक बहुत बढ़िया मुहिम है राज जी का। आप बोलेंगे राज जी का जो फिल्म है, इस फिल्म में एक नेचुरल घटना है जिसके बारे में उन्होंने 12 घंटा में दिखा रहे हैं, ये एक अच्छा घटना है,
जो पब्लिक को एक नया मनोरंजन मिलेगा कि 12 घंटे के अंदर इस चीज़ को सुलझाया गया है, प्लस इसमें नए नए प्रतिभाशाली कलाकारों को काम करने का मौका मिला है। आज मुंबई में लोग नए नए लोगों को काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन यादव जी का ये ऑफिस है, इस ऑफिस पे नए नए कलाकारों को स्पेशली बुलाया जाता है ताकि उन लोगों को कुछ ना कुछ पुशअप करते हुए आगे बढ़ाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए कि हाँ कोई है। प्रतिभाशाली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं और इनके हर एक संभव प्रयास करेंगे कि इसकी फिल्मों को एक हिट लेवल पर लेकर जाया जाए और अच्छे से पूरे भारत में प्रदर्शन किया जाए। सेने और मैं राजेंद्र के काफ़ी करीब हूँ, जमा के करीब हूँ, तो हम इनके साथ में जुड़ा हुए हैं और प्रोजेक्ट नाम स्कूल एंडिंग तक रहेंगे और इसका टाइटल तो इतना अच्छा है, पब्लिक इसका टाइटल सुनते हुए दिमाग में कुछ कुछ होने लगेगा कि इसके अंदर कुछ तो है, सारे वैगेंट में क्या हो रहा है इसके अंदर, तो टाइटल सुनते पहले दिल में चार जो क्या है इसके अंदर देखना है सस्पेंस, क्योंकि आजकल पब्लिक यही सब लाइक कर रहा है जो सस्पेंस हो और जो नेचुरल रियल स्टोरी ऊपर, तो ये मूवी भी रियल स्टोरी ऊपर है तो पब्लिक हमारा जो सोच है पब्लिक इसमें काफ़ी लाइक करे और हम सबको मिलकर ऊपर यूनिट कर नहीं जा रही है। मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने मूवी भी किया है हिंदी मराठी भोजपुरी एंड देन मैं प्लेबैक सिंगर भी हूँ, 3 मूवी में मैंने गाना भी गाई, एक मराठी मूवी में गाई तेजस्विनी, आप चाहे तो यूट्यूब में भी देख सकते हो, 3 गाना मेरा ही है और ये ताकत है इश्क की उसमें भी मैंने प्लेबैक सिंग किया है, तो और एक भोजपुरी का भी आने वाले हैं। तो मैं शॉर्ट में बताऊँगी 12 घंटा, हाँ सॉरी 12.5 घंटा, इसमें तो नाम से पता चलता है 12.5 घंटा, मतलब इसमें आएगा मर्डर का एज रेप का, इसमें सब आ जाएगा इसमें स्टोरी, देन ये 12.5 घंटे का स्टोरी सिर्फ 3 घंटे में ये दिखाएंगे, इसमें क्या होता है रियल स्टोरी में, मतलब जो घटना घड़े हुए इसमें दिखा जाएगा। मैं सभी मीडिया वाले सब हमारे सभी यूनिट को धन्यवाद कहना चाहूँगा, नमस्कार, मेरा नाम है अजय कुमार अपेक्षा, मैंने वेब सीरीज डीजी हॉट स्टार पर अनकही अनसुनी किया है और अभी मिहिर देसाई जी के साथ शो रील करके आया हूँ और मैं भी इस 12.5 घंटे फिल्म का हिस्सा हूँ और मैं भी इसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं प्रदीप राजा जी और राजकुमार जी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ और यही हमारे फिल्म में थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा बहुत कुछ है जिसको आप देखने के बाद पता चलेगा, अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और मैं आपकी अपनी अंशु, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा यहाँ पे राज जी ने मुझे सिलेक्ट किया, इस मूवी में काम करने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या किरदार क्या कर रहा, क्या है आपका? मेरा साक्षी का किरदार है रिसेप्शन लिस्ट का, तो बस वही करेंगे जम के, कोशिश यही रहेगी कि 100% मैं दे सकूँ अपना, बाकी सारी चीज़ें पूरी टीम पे है। मूवीज के पहले कुछ किए हो आप वगैरह? सर मैंने और भी किए हैं और अपने हरियाणा लेवल पे भी वर्क किया है मैंने, तो मैं हरियाणा से ही खास करूँ तो बस इतना ही बोलूँगी, धन्यवाद जी। जी सर, सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है, मैं बनारस से हूँ, मैं इस प्रदीप सर से मिला, सर ने मुझे देखा, फिर मेरा ऑडिशन लिया 3-4 बार, उसके बाद मुझे सेलेक्ट किया, फिर मुझे एक इसमें एक नेगेटिव रोल करने का मौका दिया है और जिन्हें अंदर मेरी प्रतिभाशाली है मैं उतना अपना 100% दूंगा, उसके बाद सर तो हैं ही। थैंक यू। नमस्कार, मैं इरफान अजीज कोरियोग्राफर, आप सारे मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज ये आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं 12.5 घंटे का कोरियोग्राफर हूँ मैं और इसके लिए हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं प्रदीप रंजन जी, हमारे प्रोड्यूसर राजकुमार यादव सर, अनुज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, जैसा कि इन्होंने अभी बोला था कि नो यू टर्न एक मूवी कर रहे हैं ये, फिर 12.5 घंटा और अहे रेजिमेंट, तो ये कंपनी मुझे ये मौका दे रही है कि मैं इनके साथ जुड़ करके बहुत सारे काम साथ में कर सकूं और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से अभी देखते हैं कि मैं कहां तक 100% अपना दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं मैं। एज ए कोरियोग्राफर क्या है कि कोशिश तो कर रहा हूं मैं कि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी काम किया है मैंने, अभी उत्तराखंड में भी एक मोबिन साहब हैं हमारे, उनका भी मूवी कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड में शूट होने वाला है,
अब ये मूवी जा रहा है भोपाल में शूट होने वाला, इसमें एक ही जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि पैपी सॉन्ग ही है, डिस्को का ही सॉन्ग है ना, ठीक है ना, तो उसको कोरियोग्राफ करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि कोरियोग्राफी का जलवा तो ज़्यादातर जो है हम लोगों को डांस वगैरह नंबर में ही दिखाने का मौका मिलता है, और बस आप लोग के सहयोग से करते रहेंगे काम, कोई बात नहीं है। थैंक यू। सर मेरा ये मानना है इंडस्ट्री के अंदर कि जैसा कि बहुत सारे लोग मूवी बनाते हैं और आप देखते हैं कि 5 गाने 6 गाने 7 गाने रहते हैं उसमें, लेकिन क्वालिटी नहीं रहता है, तो अच्छा है क्वांटिटी पे जाने से अच्छा है क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। 1 गाना रखो 2 गाना रखो लेकिन क्वालिटी के साथ काम करना जरूरी है। और जैसा कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देख रहे हो कि अभी क्या हो रहा है, कोरोना के पहले भी और आफ्टर कोरोना, बहुत सारे प्रोड्यूसर बहुत सारे डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने इंडस्ट्री को बचाना है, अपने बॉलीवुड को बचाना है। बहुत सारे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जो अच्छी अच्छी मूवी दे रहे हैं, लेकिन जैसा आपने बोला ना कि 1 गाना इसमें अगर है तो मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझ में वो टैलेंट देखा, मुझ में वो खूबियाँ उन लोगों ने देखा कि मैं 1 गाना कर रहा हूँ उनका। तो सर 4 गाने जरूरी नहीं है, 1 गाना करे, बेहतरीन गाना करे, और जो रिजल्ट रहेगा वो पिक्चर रिलीज होगा तो आप लोगों के सामने रहेगा ही। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बस बना रहे मेरे साथ, थैंक यू सो मच। जी सर, आप बताइए। हाय, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, यश कुमार मंडावी मेरा नाम है, और मैं एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ इंडस्ट्री में। पर इस फिल्म में मेरे 2 बहुत खास मित्र जुड़े हुए हैं, जैसे राज सर, प्रदीप सर, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और ये बहुत अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 12.5 घंटे इसका टाइटल है, और ये एक सच्ची स्टोरी पे आधारित है, तो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। 12.5 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन इसमें चल रहा है वो बहुत मज़ेदार रहेगा, कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, वो एक तरीके का सस्पेंस बना रहेगा, पुलिस है, कुछ थ्रिलर है, कुछ क्राइम है, तो वो सारी चीज़ों को लेके जो मसाला बना है वो बहुत मज़ेदार है। और बीइंग क्रिएटिव मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, साइड बाय साइड सर के साथ, भाई लोग के साथ हमेशा मैं इनके साथ रहता हूँ, शूटिंग पे भी मैं रहूँगा आप लोग के साथ। जी मैम। हेलो सर, मेरा नाम सुमन टाक है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं राज सर से मिली उनके इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे अच्छा लगा, इससे पहले भी मैंने कुछ सीरियल्स और वेब सीरीज में काम किया है, तो अभी इनका ये प्रोजेक्ट 12.5 घंटे जो आ रहा है, उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि कुछ रियलिस्टिक पे आधारित है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अंदर उन्होंने मुझे डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए बोला है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैंने डॉक्टर का पहले भी एड शूट वगैरह में किया है और अभी भी, और बाकी इनके साथ इनसे बात किया है मैंने, इनकी टीम काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। अभी इनके 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी किस किस में मुझे कास्ट करते हैं, और जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। एक चीज़ सॉल्ट इंटरप्टिंग भाई का, मैंने बहुत सारे काम देखे हैं पहले भी और बहुत बेहतरीन काम किया। इनको जो एक गाना मिला है इसमें, वो गाना बहुत प्यारा, ये इन्होंने जो अभी डिज़ाइन दिखाया हम लोग को, जो बताया, जो कोरियोग्राफी होने वाली है, वो अमेजिंग है। और इनके लिए मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी, कुछ क्लिपिंग्स देखी है हमारी टीम ने, प्रदीप भाई ने, राज भाई ने, हम सब लोगों ने, तो बहुत सारे ऑडिशंस हुए, 200-250-300 ऑडिशंस हुए इस चीज़ में, तो उसमें से छट के आज यहाँ पर हमारे साथ ये बैठे हैं। और सारे कलाकार बहुत मज़ेदार हैं, सारे थिएटर से कनेक्टेड है, सबको पता है कि क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या इमोशंस होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे राज जी का इनविटेशन आया तो मैं थोड़ा सा चौंक सी गई कि वाओ, मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं मैं तो रहूँगी। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि एक नेगेटिव पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो मैं कर रही हूँ। और जैसे कि 12.5 घंटे ये बहुत ही अमेजिंग नाम है कि लोग सोचते रह जाएंगे और देखना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का नाम है ऐसे बहुत कम फिल्में हैं जो इस तरह से बनी होंगी। और राज जी कुछ अलग करने की कोशिश करते अक्सर, उनके साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा और इंशाल्लाह काम करके बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे तो ये भूलते नहीं हैं मुझे,
हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं वो मुझे रखेंगे, ये उम्मीद है हमेशा ही और थी और रहेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब डाउन टू ईयर हैं राज जी, उनके लिए जितनी तारीफ करें कम है, और हमेशा से ही वो मतलब मुझे सपोर्ट करते आए हैं, चाहे किसी भी मतलब ये चीज़ों के लिए हो, चाहे रिलायंस का ये वो समथिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम एक अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और इंशाल्लाह आधुम मचाने वाली है 12.5 घंटे। जी सर, नमस्ते, प्रणाम। मैं मीडिया को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला, हमारी यूनिट के लिए टाइम निकाला। तो इसमें डायरेक्टर जो प्रदीप राजा जी हैं, उन्होंने 12.5 घंटा का एक कंसेप्ट लाया है, जिसमें मुझे कास्ट किया गया है। छोटा सा ही करेक्टर है लेकिन मजबूत करेक्टर है, और राज जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि इनके साथ मैंने कम से कम 4 से 5 साल हो गया मुझे इनसे जुड़कर, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, इन्होंने शायद बता चुके हैं पहले से ही। और बाकी सीरियल वेब सीरीज हिंदी साउथ मूवियों में तो सब देख ही रहे हैं आप, तो धन्यवाद करता हूँ। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है, इस इंडस्ट्री में मैं करीब 22 वर्षों से हूँ और डायरेक्शन से हूँ। करीब 17 साल मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपना करियर निकाला। राज जी से पुरानी मुलाकात है और अगाध मित्रता है, डायरेक्टर साहब से भी मेरी काफ़ी मित्रता है, इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं यहाँ पर सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। 12.5 घंटे काफ़ी इंक्विजिटिव है और कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा एहसास दिलाता है कि बहुत कुछ हुआ होगा इस 12 घंटों में, और ये देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ फिल्म बहुत अच्छी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं।